चलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में फेसबुक की 10 मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स की जानकारी देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। दोस्तों, बताने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो आप वीडियो देखते हैं उसके नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, आपसे पहले उसको क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप उस वीडियो को देखकर नई नई जानकारियां ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये तो रहे मेरे चैनल की बात, अब आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक क्या है, फेसबुक की 10 मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स की जानकारी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स है। मैंने इनको जो है बहुत अच्छी तरह से, मतलब जो मुझे अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स लगी उनको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। और मेरे पास टिप्स एंड ट्रिक्स तो बहुत है, मैंने उनमें से 10 जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी उनको मैंने जो है इसमें ऐड किया है। तो चलिए फिर स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन शुरू करते हैं। तो जो पहली टिप्स है वो है ये, फेसबुक पे जो है ब्लैंक पोस्ट कैसे करें। तो ब्लैंक पोस्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, जाना होगा अपने फेसबुक में और यहाँ आपको जो है कोड पेस्ट करना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे अगर आप ब्लैंक पोस्ट कर रहे हैं तो ये पोस्ट नहीं क्लिक ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये वाला कोड यहाँ पे जो है लिखना होगा। ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और इसे अपने कीबोर्ड से लिख भी सकते हैं, ठीक है। आपको करना क्या होगा, एट द रेट लगाना है, बड़ा ब्रैकेट, फिर जीरो, फिर जो है डबल डॉट लगाने हैं जिसे आप कॉलन बोलते हैं, फिर जीरो, फिर कॉलन, फिर एक स्पेस देना, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाना है और फिर जो है यहाँ से पोस्ट कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप पोस्ट करेंगे तो ये देखिए ब्लैंक पोस्ट हो चुकी है, ठीक है। तो जो दूसरी ट्रिक है वो है फेसबुक पे जो है आप स्टाइलिश फॉन्ट में कैसे टाइपिंग करें। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, जानना होगा आपको क्रोम ब्राउजर में और यहाँ से एक वेबसाइट पे जानना होगा vbestools.com और यहाँ आपको आना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आपको जो है कुछ भी टेक्स्ट लिख देना है जो आपको स्टाइलिश में लिखना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग, ठीक है। और फिर जो है ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं जनरेट पे क्लिक कर दूंगा ये टेक्स्ट जो है जनरेट हो जाएगा और फिर मुझे यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने के लिए मुझे जाना होगा नीचे, तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ जब तक ये जो है पूरा होता है। तो ठीक है, नीचे जाता हूँ और यहाँ देखता हूँ कि टेक्स्ट जनरेट हुआ है ये नहीं। तो देखिए जनरेट हो चुका है और यहाँ से आपको जो फॉन्ट अच्छा लगे वो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। तो मुझे ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो इस कॉपी करने के लिए इस पर थोड़ी देर टाइप करना होगा और फिर यहाँ से इसे कॉपी कर लेना, फिर कॉपी करना है, फिर इसे आप चाहें तो फेसबुक के किसी कमेंट में या फिर पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं पोस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए पोस्ट हो चुका है। और जो अगली ट्रिक है वो है नियर बाय फ्रेंड। तो नियर बाय फ्रेंड का क्या यूज है, इसका यूज ये है कि आप जैसे मान लो किसी सिटी में जाते हैं, ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरी सिटी में, मतलब जहाँ मैं गया हूँ जिस सिटी में, उस सिटी में मेरा कौन ऐसा फेसबुक फ्रेंड है जो रहता है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, जो है अपनी फेसबुक जो है ऐप में जाना होगा और यहाँ से ऊपर जो ये एक थ्री डॉट दिख रहे हैं और एक मैन का लोगो, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नियर बाय फ्रेंड का, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है और अपनी लोकेशन यहाँ से ऑन कर लेनी है, ठीक है। सेटिंग में जाके ये जो है लोकेशन का ऑप्शन होता है यहाँ से ऑन कर लेनी है। अगर आपका मोबाइल का वर्जन थोड़ा कम है तो आपको जो है सेटिंग के अंदर जाके वहाँ से लोकेशन ऑन करना होगा, ठीक है। आप टेंशन न मत लीजिए, जब आप यहाँ से ऑन करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप सेटिंग जो है लोकेशन ऑन कर लिए, आपको वहाँ रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपनी जो है लोकेशन कर देता हूं, तो मैं इस समय जो है यहां से अपनी लोकेशन ऑन कर देता हूं नियर बाय फ्रेंड वाली, और फिर जो इस समय मैं लखनऊ में हूं तो वहां जो है मेरे पास जितने भी दोस्त हैं वो उनकी जो है लोकेशन शो हो रही। तो मैं इस समय रकबगंज में हूं, तो कैसरबाग में ये विकास पार्टी नाम से मेरा एक फ्रेंड है वो है, और ब्रह्म प्रकाश चंदगंज में है, और चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ पे हैं अरुणा सिंह। और जो है इस तरह से आप मतलब पता लगा सकते हैं कि आपका कौन ऐसा दोस्त है जो जहां आप गए हैं उस सिटी में वो रहता है या उसने लोकेशन चेक्ड की है। तो जितने ये रेड कलर के तीर हैं ये इन लोगों ने लोकेशन चेक्ड की है, मतलब ये वहाँ गए हैं, और बाकी जो जिनके सामने ये गोल गोल चक्री टाइम में बना है ये वहाँ रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। तो मेरे बहुत से दोस्त लखनऊ में रह रहे हैं, ठीक है। और तो जो अगली टिप्स एंड ट्रिक्स है वो है कि फेसबुक दोस्तों को आप कहीं कमेंट या पोस्ट में मेंशन कैसे करें। तो मेंशन कैसे करना वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, कोई भी मतलब आप पोस्ट लिखिए, ठीक है, जिसे मैं गुड मॉर्निंग लिखता हूँ, ठीक है,
इसका फायदा क्या है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मेंशन करने के लिए आपको लगाना होगा एट द रेट, और जिसको मेंशन करना है उसका नाम लिख लेना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रमेश, ठीक है। और फिर आपको जो लिस्ट ओपन हो जाएगी कि आपकी फेसबुक लिस्ट में कितने रमेश हैं, तो मैं यहाँ से देखता हूँ मेरी फेसबुक लिस्ट में बहुत से रमेश हैं, तो मैं यहाँ इनको मेंशन कर लेता हूँ और फिर पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मेंशन करने से क्या होगा, अगर कोई बंदा आपकी पोस्ट देख रहा और इस रमेश के रमेश पर क्लिक करेगा तो वो रमेश की प्रोफाइल पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और रमेश को भी पता चल जाएगा कि आपने मेंशन किया है। तो मैं आपको रमेश वाली प्रोफाइल खोल के दिखाता हूँ, मेरी एक दूसरी प्रोफाइल है फेसबुक की, मैं उस पर एक्टिव नहीं रहता हूँ, मैं उस पर जो है ट्रिक की टेस्टिंग करता हूँ, इसलिए मैंने वो प्रोफाइल बनाई। तो उसको भी एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि जो इन्होंने आपको मेंशन किया है, ठीक है। तो ये देखिए दयाशंकर मौर्य टैग्ड यू इन ए पोस्ट टू ऐड योर टाइमलाइन, ठीक है। तो ये देखिए मैंने मेंशन किया तो जो है ये आ गया, उन्हें भी नोटिफिकेशन मिल गया, ठीक है। और जो अगली ट्रिक है वो है कि आप किसी फ्रेंड को पोक कर सकते हैं। पोकिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं, पोक करने से मतलब आपका कोई फ्रेंड है, बहुत दिन से आपने उससे कोई बात नहीं की तो उसको लगेगा कि आप उसको भूल गए हैं, ठीक है। तो पोक अगर आप उसको कर देंगे तो उसको लगेगा कि आप भूले नहीं हैं, आप उसको याद कर दें। वैसे तो पोक मीन्स होता है उंगली करना, तो वैसे तो ये बहुत गलत शब्द है, बट इसको अगर इंग्लिश में कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये सभी लोग बहुत आजकल लोग यूज़ करते हैं, जो फेसबुक के एक्सपर्ट हैं वो पोक को बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पोक कैसे करना है वह मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप जाइए और जो है किसी जिसको पोक करना है उसकी प्रोफाइल ओपन कर लीजिए। तो मैं रमेश को पोक करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये प्रोफाइल का एक्सेस मेरे पास ही है, तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो मैं रमेश को पोक करता हूँ, ये रमेश की प्रोफाइल है, सर्च करता हूँ, फिर से ओपन कर लेता हूँ। और फिर यहाँ आपको जो थ्री डॉट दिख रहे हैं इन पर क्लिक करना, फिर यहाँ आपको एक पोक का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर पोक कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे आप पोक करेंगे रमेश को एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि आपको किसी ने पोक किया है। तो देखिए ये नोटिफिकेशन मिल गई, दयाशंकर मौर्य पोक डू, ठीक है। तो जो अगली ट्रिक है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, आप इससे अपने दोस्तों के साथ मतलब मजाक कर सकते हैं, उनको उंगली कर सकते हैं। और अगर आप कोई ऐसा आपका फ्रेंड है जिससे आपने बहुत दिन पहले बात की थी और ज़्यादा दिन हो गए आपने बात नहीं की, तो आप उसको पोक करके बता सकते हैं कि मैं आपको भूला नहीं हूँ, ठीक है। तो जो अगली ट्रिक है वो ये है, तो ये जो ट्रिक है इसमें आपको करना क्या होगा, आपको जो है एक लिंक मैं आपको दे रहा हूँ उसको आपको पोस्ट करना है। उसको आप पोस्ट करेंगे तो आप जो भी उस लिंक को आपका फ्रेंड ओपन करेगा उसको लगेगा कि ये मेरी ही जो है प्रोफाइल की लिंक है। तो आप इसमें कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड, इट्स माय बेस्ट फ्रेंड, इट्स एएसएम फ्रेंड, इट्स गुड फ्रेंड, आप ऐसा कुछ लिख के जो है सेंड कर सकते, लिखिए और वहाँ जो है उसकी लिंक डाल दीजिए जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी उस लिंक पर क्लिक करेगा उसकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, तो उसको लगेगा कि यार इसने मेरी जो है लिंक डाली है प्रोफाइल की और कह रहा है कि मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, यानी कि ये मुझे बहुत मानता है। तो इस तरह आप अपने दोस्तों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इट्स गुड पर्सन, ठीक है। और यहाँ वो लिंक मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जो है इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए पोस्ट हो गई। अब जब मैं इस लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरी प्रोफाइल ओपन हो गई। अब मैं जो है दूसरी आईडी से इसको जो है इसी लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो मैं जाता हूँ और यहाँ जो सर्च करता हूँ दयाशंकर और जो है कि टाइमलाइन पे जाता हूँ और यहाँ से देखिए नीचे आता हूँ और ये देखिए जो इट्स गुड पर्सन लिखा है और इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अब जो है ये रमेश रॉक वाली प्रोफाइल ओपन होगी। तो मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर ओपन जो वेट करिए। तो ये देखिए रमेश रॉक वाली प्रोफाइल ओपन हो गई। तो मतलब जो भी इस लिंक को ओपन करेगा उसकी प्रोफाइल जो है ओपन हो जाएगी, तो उसके लगेगा कि यार इसने जो है मुझे मेंशन किया है कि मैं इसका अच्छा दोस्त हूँ या मैं अच्छा जो है आदमी हूँ, तो देखिए यार ये मुझे मानता है इसलिए इसने जो है मुझे मेंशन किया है। तो जो अगली ट्रिक है वो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। तो जो अगली ट्रिक है वो ये है कि आप मतलब किसी कमेंट में किसी को लिख के बेवकूफ़ कैसे बना सकते हैं। उसमें आपको करना क्या होगा, आपको कुछ इस तरह की पोस्ट करनी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ ये इस तरह की कि दोस्तों अगर आप फेसबुक एक्सपर्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में बिना कोई स्पेस दिए ये लिख कर दिखाएं, ये जो कोड लिखा है ये एट द रेट जो है ब्रैकेट फिर फोर और फिर जो है
कॉलन या डबल डॉट और फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह आपको लिखनी है पोस्ट, और फिर जो भी ये कोड लिखेगा ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ लिखता क्या है। तो मैं जो है सेम यही लिखता हूँ, यहाँ जो है अपनी किसी पोस्ट पे जाता हूँ और वहाँ जो कमेंट करता हूँ, क्योंकि अगर दूसरी पे किसी दूसरे की पोस्ट पे कमेंट करूँगा तो कहेगा यार ये क्या कर रहा है मेरे पे। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कुछ ऐसा कमेंट। तो इसमें लिखना है आपको एट द रेट लगाना है और बड़ा ब्रैकेट लगाना है, बड़ा बड़ा, और फिर यहाँ से आपको चार लिखना है, फिर आपको जो है ये लगाना है और फिर जो है पैकेट क्लोज कर देना है। तो देखिए ये जो कोड तैयार हो चुका है, अब इसे जो है यहाँ से सेंड कर देना है। तो जैसे मैं सेंड करूँगा, देखिए मार्क जुकरबर्ग लिख गया, मतलब जो फेसबुक के संस्थापक हैं, जिन्होंने फेसबुक को बनाया है, उनका नाम लिख गया। तो ये थोड़ी कोडिंग होती है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है। तो जो अगली ट्रिक है वो भी कुछ कमेंट से ही रिलेटेड है। तो उसमें आपको करना क्या होगा, आपको कुछ अपनी जो है फेसबुक प्रोफाइल पे इस तरह की, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की पोस्ट लिखनी होगी। दम है तो टाइप कीजिए, पूप टाइप नहीं होगा। कुछ आप कुछ भी लिख सकते हैं कि आप फेसबुक एक्सपर्ट हैं तो ऐसा लिखिए, तो कोई समझेगा कि यार मैं फेसबुक चला रहा हूँ इतने दिनों से, तो मुझे जानकारी तो है ही, मैं इसमें क्या है, मैं भी लिख देता हूँ। अब जब वो लिखने जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे क्या है, पोप लिखना है ना, पी डबल ओ पी, फिर जो है लगाना है डबल डॉट जिसे आप कहते हैं कॉलन। तो मैं इसे जो पेस्ट करता हूँ, तो देखिए ये देखिए पूप नहीं लिखा, वो उल्लू बन गया। तो ये एक इमोजी है, ये इमोजी की एक कोडिंग है, वो हो गई। तो जो अगली ट्रिक है वो भी कुछ इसी तरह की, उसमें आपको क्या करना है, कुछ इस तरह की पोस्ट डालनी है, मतलब उसी तरह से, और उसमें ये वाला कोड लिख देना है, ठीक है। ये कोड की मेरे पास इमेज नहीं है, मैं आपको ये आप खुद बना लीजिए, कहीं आप मतलब पेन से कागज़ पर लिख दीजिए और फिर जो है उसकी फ़ोटो खींच के पोस्ट कर दीजिए। या फिर आप अगर वीडियो एडिटिंग मतलब फोटो एडिटिंग जानते हैं, फोटोशॉप चलाना जानते हैं, या मोबाइल में कोई फोटो एडिटर यूज करते हैं, तो उससे भी आप पोस्ट लिख सकते हैं। उसमें आपको कुछ इस तरह का कोड यूज करना होगा, ये आपको जो है ये लगाना होगा और फिर यहाँ से जो है ब्रैकेट लगाना होगा ये वाला, और फिर जो है आपको यहाँ से डैश लगाना होगा, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना, फिर इसको पोस्ट करना है। तो ये देखिए दूसरी इमोजी हो गई। तो ये जो है कुछ ट्रिक्स थी। तो कुल मिला के मैंने आपको 10 ट्रिक्स बताई हैं, और मैंने जो है इंक्लूड किया इसमें जो मेरे पास इंटरेस्टिंग ट्रिक्स थी, और एक दो कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स अभी बची हैं जो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा। और आगे जो है उसमें 10 ट्रिक्स होंगी, उनमें कुछ और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स इंक्लूड करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो के नीचे आपको लाइक का बटन मिल जाएगा, आप सिंपल उस पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो फेसबुक या किसी भी क्वेश्चन से, किसी भी से रिलेटेड हो, तो आप वीडियो के नीचे आपको जो है यहाँ आपको जो है कमेंट बॉक्स दिखाई देगा, आप यहाँ अपना कमेंट करके मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूँ, मैंने जो है बीच बीच में कहा है कि मैं जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको नहीं पता कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है, तो जो वीडियो के नीचे आपको ये जो है टाइटल दिख रहा है, आपको इसके नीचे एक साइड में एक तीर दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है, जो ये ओपन होता है यही डिस्क्रिप्शन होता है। यहाँ मैं जितनी लिंक दे दूंगा सभी यहाँ शो होंगी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहे, सीखते रहे हिंदी स्का यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।